दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब गैना बेचारी सागर के चाल में फंस जाती है और अब दूसरी शादी के लिए भी उसे हाँ करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, शो में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर बेचारी गैना बुरी तरह से सागर के कब्जे में आ जाती है और अब अनंत की जान बचाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो सिद्धार्थ है अनंत नहीं, कहीं ना कहीं उसे भी यही एहसास है, उसे भी आधा अधूरा एहसास है कि वो अनंत है या सिद्धार्थ। वो तो खुद भी यही जानने के लिए एक बार शादी के लिए हाँ कर चुकी है, लेकिन उस वो तो फ्लोप हो गई। अब दूसरी बार अब सागर ये जानना चाहता है और उसको साबित करने की कहता है, वरना वो सभी परिवार गहना और अनंत को मारने की धमकी दे देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अनंत ने घर वालों को दे दी है श्रीवास्तव की शादी गहना से करने की एडवाइस, जिसके बाद में गहना को तगड़ा झटका लगता है। तो दूसरी तरफ सागर ने भी धमकी दे डाली है, जिससे मजबूर होकर गहना सब परिवार वालों के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो श्रीवास्तव से शादी करने को तैयार है, जबकि बेचारा अनंत तो ये मानना था कि गहना उसके शादी के लिए मना कर दे दी। लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से अब चाल उल्टी पड़ गई है और गहना भी अनंत की जान बचाने के लिए, यानी चाहे वो सिद्धार्थ हो या अनंत हो, वो उसको मने तो नहीं दे सकती, इसीलिए दूसरी शादी करके ये साबित करना चाहती है कि वो अनंत नहीं है। और इसके बाद ने वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे कि अनंत और श्रीवास्तव दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर घर वाले तो काफ़ी खुश हो चुके हैं, लेकिन अनंत पूरी तरह से यहाँ पर परेशान हो जाता है कि वो इस शादी को रोके तो कैसे रोके, और इस शादी से पहले ही उसे ये कुमार का और सागर का ड्रामा खत्म करना होगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, ताकि वो सबके सामने एक्सेप्ट कर सके कि वही अनंत है। तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा और आने वाले एपिसोड में सिया एक बार फिर से ये जंग लड़ने वाली है और अदालत में ये साबित करने की कोशिश करेगी कि अनंत बेगुनाह है, और अब उसके बाद में सिद्धार्थ खुलासा करेगा कि वही अनंत है।